काफी लोग ओपन पोर्ट से बहुत बहुत परेशान हैं। एक सच बात मैं आपको बताऊं, ओपन पोर्ट्स हम सभी के स्किन में होते हैं। फर्क इतना होता है कि कुछ लोगों के ओपन पोर्ट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ लोगों के ओपन पोर्ट बहुत नॉर्मल होते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ओपन पोर्ट्स को काफी हद तक कम कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं मीना महेश्वरी। सबसे पहले आप चावल ले लीजिए 4 चम्मच या 1 मुट्ठी जितने, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके अंदर फिर पानी डालकर 2 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए उसे भिगोकर रख दीजिए। आप चाहें तो पानी की जगह रोज वाटर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे राइस के ऊपर जो पानी होगा वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, मींस मिल्की कलर, दूध के कलर जैसा हो गया होगा। इसे आप साइड में रखें। एक खीरा ले लीजिए, उसे अच्छे से ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के साइड में करें। जो ये बचा हुआ खीरे का चूरा है वो ले लीजिए। ग्रीन टी जब हम पी लेते हैं, जो ये पैकेट बच जाता है वो, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें। ग्रीन टी पीकर अब हमेशा जो बचा हुआ होता है पैकेट में वो आप फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करें और एक आइस क्यूब ट्रे ले लीजिए, उसके अंदर नीचे थोड़ा सा डाल और उसके ऊपर डाल दीजिए राइस वाटर, मींस जो हमने राइस भिगो के रखा था उसका ऊपर का पानी ले लीजिए, वो आप डाल दीजिए और एक इसे आइस क्यूब ट्रे में आइस जमाने के लिए 2 घंटे फ्रीज में रख दीजिए। जब वो जम जाएंगे तो आइस क्यूब बन के रेडी हो जाएंगे। आपको 7 क्यूब बनानी है क्योंकि 7 डे चैलेंज है। 7 क्यूब रेगुलर, 1 क्यूब उठाइए और अपने स्किन पे ऐसे मसाज कीजिए। आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स भला क्या है। क्या है कि हमारी स्किन में यू शेप के छोटे छोटे कड्डे होते हैं और जब हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, गलत सलत प्रोडक्ट यूज करते हैं या ऑयल का ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाता है तो ये ओपन पोर्स हो जाते हैं। आइस क्यूब को मसाज करने से, अब आप सोच रहे होंगे आइस क्यूब ही क्यों, आइस क्यूब जो होती है ना वो हमारी ओपन पोर्स को बहुत जल्दी श्रिंक कर देती है। हमने इसमें खीरा डाला है, खीरे में होता है विटामिन सी। एक बात का और ख्याल रखिएगा, कोई भी रेमेडी आप लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश जरूर कर लीजिएगा। आपकी स्किन जो भी टाइप की हो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, प्लस में आप इसे 1 वीक के लिए बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप आइस क्यूब अपने फेस पर रब करें तो उससे आपकी फेस की जो पफिनेस होती है, सूजन होती है, वो भी रिड्यूस हो जाए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।